एक और गुड न्यूज है, एक टाटा सफारी आपको मिलेगी कोई भी इंडियन एथलीट, सारे इनाम मिलकर काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। 40 साल की उम्र में आर्नोल्ड पे जंपल जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। बॉडी अभी दिखाते हैं, इनका सेट खत्म होने दो। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी, और सब्सक्राइब कीजिए एंटिक फिटनेस इंडिया को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स के अपडेट देखने को मिलेंगे, तो मेक श्योर आप सभी इस वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से बढ़ लेते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें कि हम बात करेंगे संदीप बूटन प्रो के बारे में। और इनको लेकर, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ये एक नेचुरल मेंस फिजिक एथलीट है जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं गाइस, और इन्होंने कई सारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि संदीप बूटन अभी रिसेंट में ही अपना एक वीडियो शेयर करते हैं, जिसके की कैप्शन में गाइस ही हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक मेंस फिजिक एथलीट नहीं है, बल्कि गाइस जो इनकी ओपन डिवीजन वाली जो पोजिंग है वो भी काफी जबरदस्त है, जो कि आप सभी इस वाले अपडेट में देख सकते हैं। बाकी गाइस, इस अपडेट के एट दी एंड में आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को संदीप बूटन की मेंस फिजिक की पोजिंग या फिर ओपन डिवीजन वाली पोजिंग बढ़िया लगती है, आप सभी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने अगले अपडेट के बारे में जान लेते हैं, जो कि गाइस अनुज तालियान की तरफ से। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि मिस्टर एशिया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद में गाइस पहली बार अपने घर जाते हैं, जहां पर कि गाइस इनका काफी बड़ा वेलकम किया जाता है। और इस वेलकम की वजह से गाइस, जैसे ही अनुज तालियान अपनी शर्ट उतारते हैं, तो इसी के साथ दोस्तों हमें इनका लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इनका जो रिसेंट अपडेट है वो काफी जबरदस्त है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले बॉडी बिल्डर के अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि है रवि पवार। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वैसे तो इन्होंने अपना कंप्लीट तरीके से कोई अपडेट शेयर नहीं किया, लेकिन दोस्तों जो इनका रिसेंट का वीडियो, उसमें आप सभी इनके शोल्डर्स की कंडीशनिंग का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि गाइस काफी जबरदस्त कंडीशन में है। और गाइस, ये जो इनका लास्ट वर्जन था सेरू दिल्ली के अंदर, ये उससे और भी अच्छा वर्जन गाइस एमेचर ओलंपिया 2022 में लेकर आने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रवि पवार काफी ज्यादा पोटेंशियल बॉडी बिल्डर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इस वीडियो में अली बिलाल और भुवन चौहान के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं, और शुरुआत करेंगे अली बिलाल के साथ। तो गाइस, आप सभी इनके रिसेंट अपडेट में देख सकते हैं कि इनका जो कोर एरिया है गाइस, जो कि इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो काफी जबरदस्त कंडीशन में, और इनकी जो बैक है वो भी काफी ज्यादा वाइड नजर आ रही है। यहीं अगर दोस्तों बात की जाए भुवन चौहान की, तो आप सभी देख सकते हैं कि इनका जो बल्किंग फेस था वो गाइस कंप्लीट हो चुका है, और अब ये धीरे धीरे अपनी स्ट्रेट कंडीशनिंग में वापस आने लगे हैं। और दोस्तों, मुंबई प्रो शो में जो भुवन चौहान की परफॉर्मेंस रहेगी, उसके लिए गाइस मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी इसके लिए कितना एक्साइटेड हो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए, अब हम अपने अगले अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं कि साहिल खान ने रूबल धनकर और राजवीर सिसोदिया की तरफ से क्या बड़ी अनाउंसमेंट की है। 1 करोड़ रुपए का इनाम हम लोग दे रहे हैं 2022 में जो भी मिस्टर ओलंपिया जीतेगा उसको। इस वीडियो को एज रिकॉर्ड रख लीजिए, और इसके साथ 50 लाख रुपए का इनाम आपको राजवीर भाई देंगे जो भी मिस्टर ओलंपिया 2022 जीतेगा उसको। एक और गुड न्यूज है, एक टाटा सफारी आपको मिलेगी कोई भी इंडियन एथलीट जो 2022 में मिस्टर ओलंपिया जीतेगा उसको, वो भी एक नया टाटा सफारी इनाम देंगे जो कोई भी मिस्टर ओलंपिया 2022 में जीतेगा। 4 कैटेगरीज में, मेंस फिजिक, ओपन कैटेगरी, क्लासिक फिजिक एंड, ये सारे इनाम मिलकर काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये शुरुआत की 1 करोड़ रुपए के इनाम से। उसके बाद राजवीर भाई ने अनाउंस किया 50 लाख रुपए का इनाम, और अब रूबल भाई ने भी बोल दिया है कि होपफुली आप लोग में से बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड हों, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स इसी तरह से आगे बढ़े, एथलीट के लिए पैसे इनाम रखें, ताकि एथलीट और जोश से खेले, और हमारे हिंदुस्तान का एथलीट इस साल कोई भी एक जीते जिसको 1.5 करोड़ रुपये का टोटल इनाम और टाटा सफारी मिले। मंडे आज है पैसा कमाने का दिन, इंस्पायर रहिए। ऑल राइट गाइस, तो वाकई में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सभी इंडियन एथलीट्स के लिए, और देखना यह बनेगा कि क्या कोई ऐसा बॉडी बिल्डर आएगा जो कि मिस्टर ओलंपिया जीत पाएगा इंडिया की तरफ से। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम नूर खान की तरफ से एक छोटा सा अपडेट लेकर आए हैं। और दोस्तों, नूर खान के जो एक न्यू स्टूडेंट है, उन्होंने उनको उसी तरह इंट्रोड्यूस कराया जैसा कि वो तरुण गिल के साथ किया करते थे। तो वादे के अनुसार अकॉर्डिंग भाई, मैं आज फिर दोबारा आप लोगों के सामने, और पिछला वाला बहुत ज्यादा वायरल हो गया यार मेरा लाइफ, बाय गॉड शुक्रिया बहुत बहुत, मेरी मिसाल बहुत अच्छी लगी आप लोगों को। नहीं, वो ठीक भी है, जेन्युइन है, और वो बहुत अच्छी पॉजिटिव में है कि आप लोगों ने, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं होती, ये बहुत बढ़िया था। तो मैसेज मेरा यही था, और किसी का कोई इंटेंशन नहीं है।
सबसे मेन चीज़ आज का लाइव आने का तो यही है, हम तो शुरू से ही पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। आओ तो मिलवाते हैं पॉजिटिव आदमियों से, हमारे साथ तो सभी हमारे पॉजिटिव। ये देखते डंबल उठा लिए इन्होंने। यार देखो ट्रेनिंग भी चलती रहनी चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, वरना तो यही होगा नूर भाई आप तो भाई बोलने लगेंगे। भाई बोलोगे नहीं तुम यार, भाई आप तो यार पैसे भी ले रहे हो मेरे से ट्रेनिंग कराने के और लाइव आते हो मेरे सामने। तो इसलिए सब कुछ काम पहले, ठीक है ना। कम ऑन आर्नोल्ड फॉर एग्जाम्पल, इसका अंदर देख लो भाई 40 साल की उम्र में आर्नोल्ड फॉर एग्जाम्पल जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। बॉडी अभी दिखाते हैं, इनका सेट खत्म होने दो फिर बॉडी देखना आप इनकी। अब तो वाकई में भाई लगने लगे यार ये। और सबसे मेन बात कंपटीशन की तैयारी हर आदमी जीतने के लिए करता है, भाई ने भी जी जान लगा रखी है। और इस बार हमारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच कि काफ़ी सारे लोग हैं। और सारी सबसे कॉमन चीज़ बताऊँ क्या है, सभी 40 से ऊपर, सभी 40 से ऊपर है यार। और बहुत मज़ा आएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। भाई की बॉडी दिखाओ यार पहले, भाई को आओ भाई इधर आओ, ये ज़बरदस्त पूरे आओ फ्रेम के अंदर, आप ही के देने भाई। यस तो गाइस आज के लिए तो सिर्फ इतना ही रखते हैं। एंड आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।